50,000 में बाकी भी दिन जो हासिल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपको समय दिया था, आपने कहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। मैंने कहा था वो सिर्फ जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे तहसीलदार का कुछ इश्यू चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी नाम पे चढ़ नहीं पा रही है। हम रेडी हैं, हम मना नहीं कर रहे, मेंटेनेंस भी हम रेगुलर पे कर। 50,000 बाकी एज पर माई इंस्ट्रक्शन वे पे 20,000 आप बता दें 50,000 कैसे पेंडिंग है। और ऑल्सो सी इंस्ट्रक्शंस के कितना बाकी सब फोन पे तो करते हैं पूरा वो देते हैं। 2 अगस्त को 20,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं। ये आपने एप्लीकेशन फाइल की है? नहीं, मैं फाइल के वकील चेंज कर उस पर जाना चाहती हूँ। एक लाख ये लिखा ना सर, के गुप्ता, आर बी सिंह, अनामिका सिंह। आपसे एनओसी नहीं मांगी? नहीं सर, एनओसी तो ये तो गई थी, ये तो मैं के आप तो है नहीं अभी, जो पुराना दो पेट है वो आए नहीं हो, ये है नहीं अभी पावर में। इन्हीं को एंगेज करना चाह रहे थे तो उनसे एनओसी नहीं लिया आपने? एनओसी के लिए गए थे मैडम, मैं एनओसी के लिए गई थी। मैडम ने 10,000 रुपए मुझसे बोले थे कि एनओसी के 10,000 देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और सर मैं बिल्कुल आपने एनओसी देने से मना किया, इसलिए आप ड्यूरेशन लगा रहे हैं। ये लास्ट में एक सेंटेंस होना चाहिए। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन, आपका केस नीचे ट्रायल कोर्ट में वही वकील साहब लड़ रहे हैं जो बात नहीं चेंज कर सकते हैं। सुनिए, कर सकते हैं, आई एम जस्ट एडिंग इट ऑन। ठीक है, इसको अलाउ कर देते हैं। आईओ नंबर 750623 एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ काउंसिल द रेस्पोंडेंट रेस्पोंडेंट हैज फाइल एप्लीकेशन रीजन स्टेटेड एप्लीकेशन अलाउड। ठीक है, और क्या क्या रिप्लाई देना है उनको? नहीं रिप्लाई जो उनको सर मेंटेनेंस के 50,000 रुपये बाकी। मैं बोल रहा हूँ कि आप बता दें हमारे बाकी है तो फिर पेमेंट करते हैं, ऐसा बोल रहा है सर। समझौते के लिए ये पिछले मतलब 10 सालों से बोल रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोल के। मेरी बच्ची मंद बुद्धि है सर, उसको फिट्स भी आते, वो बोल भी नहीं सकती। तो आप अलग रहना चाहती हैं? अलग ही रहना है। अलग सर, 10 साल से अलग ही हूँ मैं, अलग लेकिन वो मतलब हमेशा नलिनी में कुछ करो, व्यवस्था करो। हो गई है, 6 महीने ऑलरेडी टाइम और दे दिया बच्चे को, उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं है। पहले पूरा पेमेंट करिए, फिर उसको सुन लेंगे उसको।